जब ये एग्जिट पोल के रुझान नहीं आए थे उसके पहले भी पूरे चुनाव के दौरान मैं लगातार ये कहता रहा हूं कि जमीन पे जो लोग हैं और विशेषकर जो गरीब लोग हैं वो तो इतने अति उत्साहित हैं नरेंद्र मोदी जी को भारत का दोबारा से प्रधानमंत्री बनाने के लिए। इसलिए मेरा थ्रू आउट ये मत रहा है कि 2019 के चुनावों के नतीजे 2014 से भारतीय जनता पार्टी के लिए, भारत की नई नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के लिए निश्चित रूप से बेहतर होंगे। विपक्ष जो ईवीएम के बारे में बातचीत कर रहा है इसके लिए सारे देश में उनकी जग हंसाई हो रही है, जमीन पर हर व्यक्ति उनके ऊपर हंस रहा है। जो लोगों को कम समझ है, टेक्नोलॉजी शायद नहीं जानते हैं, वो भी हंस रहे हैं क्योंकि उन्होंने वोट दिया है प्रधानमंत्री बनाने के लिए नरेंद्र मोदी जी को। और लोग ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि भाई जब कांग्रेस की सरकारें एक साल में इतनी जगह पर बन गई इसी ईवीएम मशीन से, तब ये ईवीएम मशीन के अंदर क्यों नहीं कोई खराबी इनको दिखाई दी। अब एग्जिट पोल बता रहे हैं नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो जो है सबको ईवीएम में खराबी नजर आ रही है। ये अपनी जो हार जो उनको स्पष्ट रूप से पूरे चुनाव के कैंपेन में भी दिख रही थी और उसका कंफर्मेशन उनको एग्जिट पोल में हो गया, उससे अपना जिसे कहते हैं ना लोगों को कैसे फेस करेंगे, तो पहले से जो है कुछ बहानेबाजी कर रहे हैं उसको, हार को जस्टिफाई करने के लिए।